एक चीज की दिक्कत है, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, पेपर दे देता। सिर्फ इस पीक पे खड़े होकर नेटवर्क आ रहे हैं, बाकी कहीं नेटवर्क नहीं है। अपना टायर चेक करो, फ्लैट हो गया ऑलमोस्ट ही, और ये पंचर वाला निशान है, पंचर ना हो जाए। यार हेज बहुत ज्यादा है, पर अगर हेज है तो अपने को दिखेगी विंटर लाइन। ये देखो टेंशन की जिंदगी, फोन चल रहा है, धूप सेकती जा रही है, छोटा सा ट्रैक है पर निकल चुके हैं घर से। तो हेलो मीगोस, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद अब राइड पे जा रहे हैं, तो मैं घर से निकला हूं, मेरे को पेट्रोल डलवाने जाना है, पेट्रोल नहीं है। 9:38 हो गया टाइम, अभी तक हमारे को आगे होना चाहिए था, पर कोई नहीं, हमेशा की तरह लेट तो हो ही गई, भूलते हैं, इतने सारे बंदर हो गए। यार आप कर दो 590 का कर दो, हटा दिया पावर लिखा हुआ था। अच्छा ऊपर हो गया, ठीक है। तो इसका सिक्का, सो अमीगोज हो गया अपना रिफिलिंग, अब निकलते हैं। लेकिन बात कर ले, फोन आया था किसी का, सचिन का फोन है। चल भाई, नहीं उठा रहे हैं लोग फोन। मैं पहुंचता हूँ लोकेशन पे जहाँ पे हमारा था मीटअप पॉइंट, अपने को मिलना है विश्वकर्मा चौक पे। तो कर लेते हैं पैकिंग और निकलते हैं यहाँ से। हाँ बाबा चलो, तेल डलवा रहा हूँ, तेल ही डलवा रहा था ब्रो। अगस्त का फोन आ गया कि बाबा मैं उठ गया हूँ, आ रहा हूँ। वो भी आ रहा है? नहीं नहीं, मेरे बदले का तेल भी डलवा के आया है। अबे क्या हो गया, चेंज करा तूने भाई से? करा, ये लिया था भाई यहीं से। हाँ हाँ बाबे, क्या हाल है? रुक जा भाई, लगा दो यार साइड में थोड़ी सी, मेरे को भी लगता है यार। ब्रो बॉय, क्या ये वाइजर तेरे को भी चाहिए? सुन हाँ भाई, एम सील दिखा, इसका सही लगा है भाई? हाँ ओके, मतलब तो भाई हमारा आखिरी बंदा पहुंच गया है। नमस्ते बाबा। हेलो नमस्ते बाबा, कैसे हो? मेनी गाइस, तो निकल गए गाइस फिर से बहुत दिनों बाद राइड पे। सो अमीगोस हम निकल गए हैं, सारे के सारे राइडर्स पहुंच गए, सचिन जा रहा है आगे। हवा अगस्त की बाइक में हवा कम है, यार मेरे में भी कम है क्या? यस कम है। सो गाइस अपन लोग भी करवा लेते हैं रिफ्यूलिंग, अपने टायर में भी थोड़ी सी हवा कम है, सोच रहा हूँ हवा भरवा लेनी चाहिए। सुनो यहाँ बनाओ। क्या बनाओ? अच्छा घर से दूर आ गए भाई, मैं जा रहा तेल डलवाने। अबे सारे यार मेरा टायर तो फ्लैट ही हो गया ऑलमोस्ट, है ना? अपाचे और ये ड्यूक है, और ये थंडरबर्ड। अपना टायर चेक करो, फ्लैट हो गया ऑलमोस्ट ही, और ये पंचर वाला निशान है, पंचर ना हो जाए क्योंकि मेरे साथ पंचर बहुत होता है। चलो मिलते हैं। काफी सुंदर है ये पेट्रोल पंप, वाओ कितना नीट बनाया हुआ है, कितना नीट बनाया हुआ है।
मान नहीं रहा, टायर घिस गया, फिर बिस्किट्स मारनी है। हवा है ज़्यादा, कर लेते हैं थोड़ी कम। यार आप ही कर दो ना, आप खड़े तो यहाँ पे। क्या मज़ा आ गया, 123, 124 पे जहाँ से जाना हमने विकास नगर में, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, बड़ी मुश्किल से निकल के आया। फंसते फंसते बहुत स्लो हो जाता है ट्रैफिक के बीच में। चक्राता, कोटी, बड़कोट और यमुनोत्री। यमुनोत्री है 142 किलोमीटर, बड़कोट 95। नाइस 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 नाइस। और यहाँ पे है अच्छी खासी भीड़ भाई, रोड सही में बहुत बढ़िया है, यहाँ ट्रैफिक नहीं है अब हम। और भाई मौसम भी बढ़िया, ठंडा ठंडा, क्योंकि ग्रीनरी है भाई। भाई नीचे देख यार, ऐसे दिख रहा है गूगल मैप जैसा है वे? भाई ये है खेती, अपन को बोल के धीरे धीरे चले गए, कुछ आगे चले गए। और विजय नहीं रुक रहा है, विजय पे है स्प्लेंडर, मतलब नहीं चलाएंगे तेज, नहीं चलाएंगे तेज, और खुद फेल दी है, देख लो इन्हें। तो साथ चलो तो धीरे, नहीं तो फिर फेलम मिला ही। अभी भी हेज ज़्यादा है यार, हेज बहुत ज़्यादा है, हेज होना चाहिए था, पर अगर हेज है तो अपने को दिखेगी विंटर लाइन। क्या हुआ, मुझे लगा पीछे की बाइक में कुछ हुआ, टायर चेक कर रहा था। अच्छा यार तुम कैसे चले है वे? हाँ? चले सबसे आगे चलेगा, पीछे सबसे पीछे रह जाए। थोड़ा सा रुके थे गाइस, विजय की बाइक गर्म हो गई थी, अब ठंडी हो गई है। वो कह रहा था चढ़ नहीं पा रही है, नई बाइक है, नई बाइक में ऐसी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ये लकड़ी पे चढ़ा रहा है। निकल गया निकल गया, चलो धीरे धीरे चलते हैं यहाँ से। और यार भूख लगने लगी है, कुछ खाया नहीं है, कुछ खाना है। वाह यार कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, जादू भी है। बहुत ही अच्छी स्लो राइड करते हुए हम जा रहे हैं। और यहाँ पे मिला अपने को पानी, हमारे पास पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, हमें पानी की बॉटल लेनी है, यहाँ शॉप पे रुकेंगे और पानी लेंगे। सचिन को आ गया मजा, अंधी सेक्सी जगह। यार मेरे को पानी पीना है, मैं पहले पानी के पास जाऊँ और मुझे हाथ भी धोना है। देखते हैं यहाँ क्या मिल गया भाई। कुछ नहीं है, चेक कर ले हवा। बैराट हाई 20 किलोमीटर। वाओ भाई कितना प्यारा लग रहा है, स्नैप बनाओ यार इसकी। ये है गूगल मैप्स।
गूगल मैप भाई कुछ नहीं दिख रहा है मैप सब दिख रहा है ब्रो क्या ही ऊंचाई पे आए हैं जान जी चलते हैं ये मेरे साथ हमेशा होता है यार कुछ ना कुछ भूल जाता है हेलमेट के अंदर अरे मक्खी घुस गई थी अंदर दुकान थी वहाँ पे हम रुके थे थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए मैं वहाँ पे चाय पी है बाकी हमारे को मिले नहीं बाकी हमारे से मिले नंबर है क्या बच्चों बुजुर्गों और महिलाओं की सभी बीमारियों का इलाज डॉक्टर को तो नहीं मिलवा देगा क्या लेना है भाई फटाफट से लेते हैं मैगी और कुरकुरे चिप्स लेने का मन नहीं है बिल्कुल भी मैंने देखी बट लूप में चलता रहा बनाने के लिए मैगी तो ले और देख लो हाँ कोल्ड ड्रिंक लेनी थी ना ब्रो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है चलो अंदर चलो कौन कौन सी आपके पास गूगल पे भी चलता है पहले तो आंटी 8 मैगी निकाल दो 8 मैगी हाँ खाली है नूडल्स मसाला है ना हैश मसाला है वो मुझे लगा वैसे हमने गलती कर दी क्या पता ये अलग खाते हैं ऊपर भी है दुकान है आंटी जी ऊपर भी है दुकान है आगे मिल मैगी मिलेगी वहाँ पे पता नहीं मैगी मिलती है यही मिलेगी जब यहाँ ये मिल रही है ऊपर भी ये मिलेगी नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है मैगी हर कोने में एवरेस्ट पे मिलती है मैगी यार ये तो विराट खाई और ये विराट खाई कितना बचा है 15 किलोमीटर तक होगा ठीक है तो बीच में भी दुकानें हैं हां बीच में भी मिल जाएगी वहां पे मैगी पता कर लेंगे यहां पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लो भाई ड्यू तो जरूर लेंगे ड्यू अच्छी होती है नींबू पानी भाई बेटर है ओके थोड़ा सा रुके हैं कुछ मैगी वगैरह लेने के लिए वहां जाके बनाएंगे और ये फ्लावर लग रहे हैं अच्छे यहां पे एक टावर है पता नहीं यहां से दिखेगा कि नहीं कोशिश करते हैं देखने की थोड़ा सा आगे चलते हैं हाँ ये टावर मेरे को बहुत दूर से दिखाई दिया था ये देखो टेंशन फ्री जिंदगी फोन चल रहा है धूप सेक के जा रही है ओए धूप में नहीं बैठते तू ओए अंकल विराट खाई कितना दूर रह गया विराट खाई कितना दूर रह गया यहाँ से विराट खाई हाँ कहाँ है यहाँ पे ये तो है विराट ये विराट खाई ही है यही है अरे यहाँ से हिल टॉप व्यू जाना है हमने ऊपर हाँ ले लेते हैं आखिरी शॉप है और फिर पहुंचेंगे हिल टॉप पे मिलते हैं आपसे तब सिया नहीं बची है तो फिर गाइड बैग में जगह नहीं बची है तो इसको बांध रहे हैं इससे तेरा शोल्डर डिसलोकेट तो नहीं हो जाएगा भारी तो नहीं हो गया हैं भाई लेस बहुत भारी है क्या बहुत भारी है भाई ठीक विराट खाई के है ना सेक्सी व्यू बहुत सेक्सी व्यू बोले यही है बस पीक वो ब्यूटीफुल फ्लावर कितनी ठंडी हवा है यहाँ पे वहाँ ऊपर कुछ है यार वो रिजॉर्ट है ये अच्छा एक चीज की दिक्कत है यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं सिर्फ इस पीक पे खड़े होकर नेटवर्क आ रहे हैं बाकी कहीं नेटवर्क नहीं है और अपने सामने एक रिजॉर्ट जो कि मैं सोच के आया था कि दिखाई देंगे यहाँ हो रही है प्रिपरेशन आग लगाने की भाई गाना बंद कर देंगे 2 मिनट तो अच्छा लगेगा कॉपीराइट नहीं आएगा अपनी वीडियो पे सुल्तान डालेगा दिलजीत दोसांझ के साथ
और ये बैठा है तुम्हारा दोस्त है कसौल का, मुंह फाड़ तो बढ़िया दोस्त है अपना, मुंह फाड़ मिला था अपने को, पर हमने व्लॉग नहीं किया क्योंकि हम जानते नहीं थे वो मुंह फाड़ है। डिस कर दे कोई चक्कर नहीं, टमाटर हम बनाएंगे यहाँ मैगी, और इतनी सारी हरी मिर्चें हैं मज़ा ही आ गया देख के। स्पाइसी सी मैगी बनाना सर। मैं नहीं बना रहा भाई मैगी, मैं कर रहा हूँ प्रिपरेशन। चलो मैं बना दूंगा भाई शान, जल्दी जल्दी ले आओ, बहुत देर हो गई आग नहीं जल रही है, दूर आधे घंटे से आग जलाने की ट्राई कर रहे हैं। और अभी इसको सेट करना है बस, ट्रायंगुलर दो ले। अब सो भाई ये क्या दे रहा है, कांटे हैं यही है हमारे पास, ये बिल्कुल हल्की है, खोखली है, इसको तोड़ के ना लगा देते। तो गाइस फाइनली आग जल चुकी है बहुत कोशिशों के बाद, यहाँ अपना सामान रखा है और उधर हमने आग जलाई भी है, और ये सारे के सारे अब चले हैं। ओए फूल चेक करो, बढ़िया फूल, फोटो लेते हैं इसकी। लकड़ी लेने चलते हैं, मुझे लगता नहीं है कि लकड़ियाँ मिलेंगी, छोटी छोटी लकड़ी है। ये मिला है मेरे को, हाँ मिल गई है मुझे लकड़ियाँ, सिर्फ इतनी सी मिली है, ये भी बहुत है। ऊपर चलते हैं, इनको जलाते हैं और फिर और ढूंढते हैं। बहुत सारी लकड़ी ला रहा है विजय, बहुत दूर गए थे क्या तुम? नाइस, अब इसको लेके जाने वहाँ तक। क्योंकि वेजिटेबल्स में हमारा वाटर कंटेंट है ना तेल में, वो पक नहीं पाई। ये हमारे पास शेफ आए हैं सर, बढ़िया शेफ है, इनको हमने बुलाया है, टेक्निकल शेफ पोंटा साइड से, फ्रॉम आईडी सेक्टर। मैं बैठ सकता है तू शान? हां नहीं बाबा, वो तो ऊपर रखनी है, पहले ठंडी ठंडी हवा लगनी चाहिए तू ही पे। हम जल्दी है वापस, हमने सोचा था यहीं से सनसेट देखेंगे, लेकिन सनसेट हम यहाँ से नहीं देख रहे हैं, हमने सोचा नीचे जाते हैं कोई और सनसेट पॉइंट देखते हैं अच्छा सा, और फिर वहाँ से सनसेट को रिकॉर्ड करेंगे। भाई कांटे ये भाई रास्ता बहुत केड़ी है भाई, नीचे बताइयो रुक जा। सन किस्ट यस, बाइक है हमारी, कितना पकड़ सकता है मोई लगा है भाई, थोड़ा सा लंबा 2.5 किलोमीटर का। विजय भी आ गया, शान रह गया, शान क्या कर रहा है ब्रो? शान आ रहा है राम राम से, आ जा भाई शान। यार कितना सही रोड है भाई, इस साइड तो ट्रैफिक बहुत ही कम है भाई, लोग रहते ही नहीं। चलते हैं नीचे, चलो चलो चलो। यमुनोत्री कालसी बैराखाई 4 किलोमीटर पीछे है, बैराखाई से 4 किलोमीटर आगे बैठे हुए थे। सो गाइज इसी सनसेट के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, आगे मैं शायद रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि अंधेरा हो जाएगा और गोप्रो में चार्जिंग भी नहीं बची है। तो इन्हीं सनसेट के साथ नहीं, इसी सनसेट के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी या, स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड।